हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं टेक फ्यूलर, मैं आपका दोस्त लकी। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया, मजे में, एंजॉय। और ऐसे आप लोग इस्तेमाल करते रहे अगर और अच्छा लगता है। दोस्तों क्या आपका बजट 10,000 रुपये है? 10,000 रुपये के अंदर में बढ़िया सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा बेस्ट स्मार्टफोन हो 10,000 रुपये के बजट के अंदर में, या बजट रेंज में आने वाले स्मार्टफोन 10,000 रुपये में? क्योंकि दोस्तों आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि बेस्ट ऐसा स्मार्टफोन कौन सा ले जो 10,000 रुपये के अंदर में जाए। क्योंकि दोस्तों इस रेंज में आने वाले बहुत सारे स्मार्टफोन, जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन मिल जाते हैं इस रेंज के अंदर। और अक्सर आपके बीच में कन्फ्यूज रहती है कि बढ़िया से बढ़िया कौन सा ले। तो यहाँ बताने वाला ऐसे कुछ बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, साथ ही साथ मैंने सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाकर इस तरफ चेक कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में जब भी टेक्सेट वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमें सब टू डेट रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन कौन से बड़े दासू स्मार्टफोन हमारे बीच जो कि 10,000 रुपये के अंदर मात्र और अपनी कैटेगरी में काफी बेस्ट है। दोस्तों इस लिस्ट में पहला स्मार्टफोन है ये हमारा इन्फिनिक्स की तरफ से आला, ये हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A, जो कि दोस्तों इसमें इन्फिनिक्स की तरफ से वाला काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है। वैसे इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात की जाए तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A में आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल है और यहाँ पे 5.9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो यह स्मार्टफोन 1.8 GHz क्वाड कोर मीडियाटेक का हीलियो 820 पर काम करती है। कैमरे की बात की जाए जहाँ पर 2.0 8 MP का फ्रंट कैमरा स्मार्टफोन में 2.2 के साथ 13 MP का पहला कैमरा डेप्थ सेंसर के तौर पर मौजूद है। और स्टोरेज की बात की जाए 2 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। बैटरी बैकअप की बात की तो 5000 mAh की बैटरी है, 10 W का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो यहाँ देख सकते हो फास्ट चार्जिंग के साथ भी आती है फोन। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 गो एडिशन पर काम करती है, जो कि X0S 7.6 पर काम करती है। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो अलग अलग कलर में मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। वैसे इसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है और इसकी प्राइस की बात को तकरीबन 7100 रुपये मिल जा रहा, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। वैसे दोस्तों मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं बता रहा, बॉट्स क्यूब्स और बहुत ही शॉर्ट्स में रिव्यू दूंगा, जिससे आप वीडियो इजी एंड तक देख पाए, बोरिंग ना लगे। और वैसे दोस्तों मैंने सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाकर सेल्फ चेक कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा रियलमी की तरफ से आला, ये हमारा रियलमी C11, जो कि दोस्तों रियलमी C11 भी बहुत पॉपुलर फोन रहा बजट सेगमेंट में, बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन रही है। फीचर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो रियलमी C11 में आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर काम करती है। और प्रोसेसर की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको ऑक्टाकोर मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है। और स्टोरेज के तौर पर स्मार्टफोन में 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256 GB तक कर सकते हैं। और कैमरा सेटअप की बात करें तो स्मार्टफोन में 2.2 RP 13 MP का पहला कैमरा, 2.2 के साथ 2 MP का तीसरा कैमरा और सेल्फी कैमरे के तौर पर यहाँ पर 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की दमदार बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, कलर ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ प्राइस की बात को तकरीबन 7.5-8 हज़ार रुपये मिल जाता है, प्राइस की अपडाउन होती रहती है, रैम और कंबिनेशन के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी। दोस्तों ये भी काफ़ी बढ़िया फोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला भी हमारा रियलमी की तरफ से आला, ये हमारा रियलमी Narzo 50i, जो कि दोस्तों रियलमी की तरफ से आना काफी बेहतरीन स्मार्टफोन है। रियलमी का Narzo 50i ये अभी काफी पॉपुलर फोन रहा है। फीचर और स्पेसिफिकेशन के मामले में रियलमी Narzo 50i में 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड रियलमी के UI गो एडिशन पर काम करती है। और प्रोसेसर के मामले में यह स्मार्टफोन UNISOC SC9863 पर काम करती है, जो कि SPD का प्रोसेसर है। और स्टोरेज की बात की जाए स्मार्टफोन में 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, माइक्रो एसडी कार्ड की जरूरत पड़े तो 56 GB तक कर सकते हैं। और कैमरा सेटअप के तौर पर स्मार्टफोन में आपको 8 MP का पहला कैमरा, सेल्फी कैमरे के तौर पर आपको 5 MP का कैमरा दिया गया है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, काफी बढ़िया है, ये भी अब दमदार स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी है इसकी। वैसे इसकी प्राइस भी अपडाउन होती रहती है, 8000 तक मिल जाता है, 7.5 से लेकर 8 के बीच मिल जाता है, तो काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा रेडमी की तरफ से आला, ये हमारा रेडमी 9A, जो कि दोस्तों रेडमी की तरफ से आला काफी बढ़िया स्मार्टफोन रहा, बेस्ट सेलिंग फोनों में से एक रहा, बहुत ज्यादा सेल हुआ था, अभी दमदार स्पेसिफिकेशन है, अभी भी बहुत पॉपुलर है रेडमी का बजट सेगमेंट में। फीचर स्पेसिफिकेशन के मामले में रेडमी 9A 6.5 इंच की IPS डिस्प्ले के साथ आती है और जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल है। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यहाँ पे आपको एंड्रॉइड का 11 वर्जन काम करता है और स्मार्टफोन ऑक्टाकोर मीडियाटेक हीलियो G25 पर काम कर रही है इस टाइम में प्रोसेसर के तौर पे। स्टोरेज की बात की जाए 2 GB रैम 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी और इसकी रैम प्राइस भी अपडाउन होती रहती है, रैम भी इसकी ज्यादा मिल जाएगी यहाँ पे आपको। और दोस्तों साथ ही साथ इस फोन का माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512 GB तक
कर सकते हैं, यानी कि आप एक्सटर्नल मेमोरी वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे। और कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यह स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है और काफ़ी मतलब अच्छी स्पेसिफिकेशन है और बहुत पॉजिटिव रिव्यू रही है। वैसे 7000 रुपये स्टार्ट होती है, लेकिन रैम की वजह से इसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है रैम कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा रैम के हिसाब से, तो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा नोकिया की तरफ से आला, ये हमारा नोकिया C20 Plus। नोकिया की तरफ से आला काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो नोकिया C20 Plus में आपको 65 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल है। और यहाँ पे IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया। प्रोसेसर के लिए स्मार्टफोन में आपको ऑक्टाकोर का यूनिसिक SB9863A प्रोसेसर लगा, जो कि SPD का प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाती है, यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 गोल्ड एडिशन पर काम करती है। और स्टोरेज के मामले में यह स्मार्टफोन 2GB RAM 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर सकते हैं। और कैमरा सेटअप की बात की जाए, स्मार्टफोन में आपको 8 MP का पहला कैमरा, 2 MP का दूसरा कैमरा और फ्रंट कैमरे के तौर पर 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप के लिए स्मार्टफोन में आपको 4950 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया है। अदरवाइज सारे सेंसर इसके अंदर मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी रही है। और यहाँ पे 232 की वैरायटी मिल जाती है, जो कि 8000 रुपये में, और रैम के हिसाब से इसकी प्राइस अपडाउन होती रहती है। तो यह भी काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका बिल डिस्क्रिप्शन से मौजूद है। तो दोस्तों यह थी मेरी नज़र में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन, जो कि 10000 रुपये के अंदर मिल सकते हो। गाइस कैसे लगे स्मार्टफोन कमेंट करके जरूर बताना, इसके बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मतलब वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में जब भी टेक से वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अपडेट रहे। दोस्तों इसी हम इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।